बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान काफी समय से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिर चाहे वो बेटे का ड्रग केस में नाम आना हो या फिर अपनी फिल्मों से जुड़ी खबरें, इस वक्त भी किंग खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक शख्स ने मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों जबलपुर के रहने वाले जितेश ठाकुर ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर शाहरुख खान के बंगले और मुंबई की कई खास जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस खबर के सामने आने के बाद जहां शाहरुख की रातों की नींद उड़ चुकी थी, वहीं फैंस को भी इस खबर ने काफी परेशान किया। इस कॉल पर जितेश ठाकुर ने पुलिस को बताते हुए कहा था कि वह किंग खान के बंगले मन्नत, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कुर्ला रेलवे स्टेशन और खारगढ़ स्थित गुरुद्वारे को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने जबलपुर पुलिस को जानकारी दी और जितेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। उसे आईपीएस की धारा 182, 505 और 506 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। फिल्मों की बात करें तो शाहरुख इन दिनों अपनी आगामी फिल्म पठान को लेकर काफी चर्चा में हैं। काफी समय से फिल्म की शूटिंग से दूरी बनाने के बाद उन्होंने एक बार फिर से शूटिंग शुरू कर ली है। शाहरुख खान फिल्मों में लगभग 3 साल बाद पठान से वापसी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस फिल्म को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है।